नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। और फिलहाल हिसार शहर में 3 दुकानों पर एक साथ चोरी होने का मामला निकलकर सामने आ रहा है। और आप जो मेरे पीछे लोग देख पा रहे हैं, ये हिसार के सिटी थाना पर पहुंचे हैं, जहां पर आज इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है। वहीं से बातचीत कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी 3 दुकानें जो है जिनमें चोरी हो गई थी कल रात को, और एक दुकान में जो एक सुबह भी चोरी हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। ये बताएं कि कहां कहां पर चोरी हुई है? हमारे तो 2 दुकानों में, हमारे एक गुलाब सिंह जैन चौक पे आस्था मेडिकल हॉल में, और उनके बिल्कुल सामने सच मेडिकल हॉल, 2 दुकानों में चोरी हुई है। आपने कंप्लेंट लिखवाई? हाँ, FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात की जाए कि कितने सामान की चोरी हुई है, तो लगभग क्या चुरा लिया? आस्था से तो करीब 60,000 रूपए कैश चुराया गया है, और सच से करीब 1500 से 2000 रूपए की चोरी हुई। अच्छा, किस तरीके से चोरी हुई और समय क्या रहा? क्या CCTV कैमरे वहाँ पर मौजूद थे? CCTV कैमरे में फोटो आई है उनकी, स्विफ्ट गाड़ी व्हाइट पे आए हैं वो। गाड़ी का नंबर अभी दिख नहीं रहा, बिल्कुल क्लियर नहीं है। अच्छा, और ताले तोड़े हैं उन्होंने, पहले शटर के, फिर शीशे वाला गेट था उसके लॉक को तोड़ा है, और फिर सीधा, जैसे उनको पहले पता था कि कैश बॉक्स कहाँ पे है, अच्छा, वो सीधा कैश बॉक्स में ही गए हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई नहीं, उसके अलावा उन्होंने कोई सामान चोरी नहीं किया। अच्छा, 60,000 के करीब, हाँ 60,000 के करीब आस्था पे चोरी हुई है, और 2000 करीब सच पे चोरी। ठीक है, ठीक है। वही हमारे साथ एक और व्यक्ति भी है, जो जिनकी जो है तलाकी गेट पर दुकान है मोबाइल की, उनकी दुकान पर भी लगभग 40,000 रूपए की चोरी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें, उनकी सेकंड हैंड मोबाइल की शॉप है, और वहाँ पर लगभग इतना उनका नुकसान हो चुका है। जी हाँ, हिसार शहर के अंदर एक साथ 3 दुकानों पर चोरी होना समझ नहीं आ रहा। और अगर बात की जाए, यहाँ से लगभग आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, हम सिटी थाना हिसार से दिखा पा रहे हैं, और यहाँ से करीबन 250 मीटर के दूर के रस्ते पर जो है ये चोरियों के मामले निकल कर सामने आए। और बात की जाए, 2 दुकानों की चोरी जो है गुलाब सिंह चौक पर हुई है, वहीं एक की जो एक दूसरी दुकान है उसका जो है तलाकी गेट पर हुई है। सर, आपने जैसे कंप्लेंट रजिस्टर किया, तो सर ने क्या कुछ कहा है आपको? आश्वासन दिया है कि 5-4 दिन में पूरी वो CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं पूरे एरियाज के, और उन्होंने आश्वासन दिया कि 5-4 दिन में आपका केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, वही ये बता दीजिए कि मतलब किस तरीके से जैसे चोरी हुई है, उसमें जो साफ चेहरा दिखाई दे रहा है उनका? नहीं, अभी कोई साफ, उन्होंने कैमरे दूसरी तरफ कर दिए ताकि उनका चेहरा साफ दिखाई ना। अच्छा, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने लटका हुआ था, कपड़ा बांध रखा है उनको, मैंने बिल्कुल चेहरे पे कपड़ा बांध के, बिल्कुल यहाँ तक कपड़ा बांध के रखा हुआ दिखाई देते थे। वो पूरे कवर थे जी, नकाब से पूरे कवर थे ना, हाथ कुछ नहीं दिखाया था जी। हाथ तक गले भी हाथ मारा उन्होंने जी, रेखी की थी पहले 2 दिन पहले आए, देखा CCTV, हाँ उन्होंने देखा है जी, उनको सब पता गल्ला कापे कापे नहीं। वही आपको अभी जो है लाइव CCTV फुटेज भी दिखाते सर, क्या कहे? उनको सब पता रखी क्यों 2 दिन पहले इकट्ठे आए थे जी वे। अच्छा। उन्हें आते गले में से हाथ मारा है जी, कुछ नहीं छेड़ा दवाई छेड़ी, कुछ छेड़ा पैसे ली तो वहां चले गए जी। यानी वो लोग आपकी दुकान पर पहले उन्होंने केल कर 5 मिनट पूरी कार्रवाई कर दी पूरी। अच्छा, 3 मिनट। तो आपको अभी मैं लाइव तस्वीरें भी दिखा देती हूँ, ये CCTV कैमरे की आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए। ये देख लीजिए, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपको ये चोर जो नजर आ रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर कर आए हैं, गले में जो है इन्होंने हाथ मारा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए गला को इनको पूरा इन्होंने खंगोला है, उसके बाद जितने पैसे थे उसको यहाँ से चुराते हुए नजर आ रहे हैं। गल्ला समेत ही लेके गए हैं, गल्ला ही उठा के लेके गए हैं, तोड़ के वो गल्ला तोड़ निकाल के लेके गए हैं। वो गल्ला ही लेके, वो गल्ला उठो पार के लेके जी वे, सामने सच कहूंगे तो ताले भी उठा के ले गए। हाँ जी, हाँ जी, तो क्या लगता है कौन हो सकते हैं लोग? ये तो क्या कह सकते हैं जी, आजकल प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, गल्ला उठाना। हाँ, उनको पता था रेकी की है उन्होंने पहले, प्रोफेशनल लोग ही ऐसा करते हैं, पहले रेकी करते हैं फिर काम करते हैं। पैसे उठाने में टाइम लगता था जी, गल्ला उठा के ले जाने में तो टाइम नहीं लगा उनको, पैसे सारे उठाते, कोई 100 का नोट था, कोई 200 कहते हैं, कोई 500 कहते हैं, सब नोट उठाने में तो टाइम लगता ना उनको, गल्ला उठा के ले गए। 3 मिनट दी उन्होंने, शटर भी तोड़ा, शटर भी तोड़ा, गल्ला भी तोड़ा, सब कुछ उठा के ले गए 3 मिनट में, अंदर भी घुसे और बाहर निकल गए वे। और लगभग कितने बजे की बात है? सुबह 4 बजे आसपास की बात है जी। तो वही मैं आपको बता दूं, हिसार शहर में जी हाँ लगातार
तीन दुकानों पर चोरी का मामला निकल कर सामने आया है, जहां पर और ये मामला जो है बिल्कुल करीब सिटी थाना हिसार के है। तो अब ये देखना होगा कि पुलिस की टीम जो है किस तरीके से कार्यवाही करने वाली है। वहीं आश्वासन की बात की जाए तो आश्वासन भी इनको दिया गया है, लेकिन देखना ही होगा कि पुलिस की टीम जो है कब इन लोगों को फटाफट से पकड़ती है। देखते रहे आधार न्यूज हरियाणा, नमस्कार।